फटेटो इज हियर, अभिवादन आप सभी का इस नए वीडियो में। त्रिफला के अनेकों फायदे आपने पढ़े और सुने होंगे, लेकिन ये फायदे आपको तब मिलेंगे जब आप एक टॉक्सिन फ्री और अच्छा त्रिफला ब्रांड खरीद पाएंगे, और यही है इस वीडियो का विषय, जिससे आप जानेंगे त्रिफला के फायदे और इस्तेमाल करने के कायदे क्या है, कौन से त्रिफला ब्रांड्स आपको खरीदना चाहिए, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आइए अब बात शुरू करते हैं कि आखिर ये त्रिफला पाउडर होता क्या है। त्रिफला एक पारंपरिक आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन है जो तीन फलों से बनता है, अमिल की, विभीत की और हरित की। चरक संहिता के अनुसार इन तीनों फलों की बराबर मात्रा को पीसकर इसका सेवन करना चाहिए। त्रिफला के उपयोग से शरीर को आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स आसानी से प्राप्त होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि त्रिफला के सेवन के लाभ क्या हैं। त्रिफला के सेवन से कई प्रकार के फायदे होते हैं। इनमें सबसे पहला फायदा है डाइजेस्टिव हेल्थ को होने वाला। इसका मुख्य उपयोग पाचन को सुधारने और कब्ज के उपचार करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा फायदा है डिटॉक्सिफिकेशन। ऐसा माना जाता है कि त्रिफला शरीर को साफ करता है। और इसका तीसरा फायदा है एंटीऑक्सीडेंट। त्रिफला में शरीर को विटामिन सी और अन्य प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट देने की क्षमता होती है। और इसका चौथा फायदा है आँखों को। पारंपरिक रूप से त्रिफला को नेत्र रोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिफला के उपयोग से आँखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद देर से होता है, पर इस दावे को प्रमाणित करने के लिए अभी कोई वैज्ञानिक सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पांचवा फायदा है वेट लॉस का। त्रिफला के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं, वजन घटता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल से कोशिकाएं ग्लूकोज को प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप ज़्यादा भूख लगती है और डाइजेशन भी धीमा हो जाता है, और जब आप ज़्यादा भोजन और कैलोरी खाते हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। त्रिफला के अन्य फायदों में शामिल हैं ओरल हेल्थ को होने वाला इम्प्रूवमेंट। त्रिफला के उपयोग से दांतों में प्लैक नहीं बनते और ओरल हेल्थ इम्प्रूव होती है, जिससे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को फायदा होता है, क्योंकि पाचन की शुरुआत तो आपके मुंह से ही होती है। इसके अलावा त्रिफला के सेवन से आपकी स्किन हेल्थ इम्प्रूव होती है, झुर्रियाँ देर से आती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है और अल्जाइमर्स के भी मरीजों को फायदा होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर कब और कितना त्रिफला हमें उपयोग करना चाहिए। अगर आप पाउडर का उपयोग कर रहे हैं और आपकी उम्र 10 से 19 वर्ष और 65 वर्ष से ज़्यादा है, तो आपको 2.5 ग्राम यानी चौथाई चम्मच, और 20 से 64 साल की उम्र के लोगों को एक छोटे चम्मच यानी 5 ग्राम त्रिफला गुनगुने पानी के साथ रोज एक या दो बार इस्तेमाल करना चाहिए। त्रिफला खाली पेट लें। सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने से एक घंटे पहले आपको त्रिफला का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि भोजन से एक घंटे पहले आपको त्रिफला इस्तेमाल करना है, और त्रिफला का उपयोग आप पूरी जिंदगी कर सकते हैं, यह इतना सुरक्षित है। अब आइए जानते हैं कि किन्हें त्रिफला का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको खाने के बाद भारीपन का एहसास होता है, या ऐसे लोग जिनका स्टूल बहुत टाइट निकलता है, तो आपको त्रिफला खाना फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी त्रिफला का सेवन फायदेमंद होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए ब्लड शुगर को कम करता है। त्रिफला का चौथा फायदा है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, जिन्हें दूध कम मात्रा में निकलता है उनके लिए त्रिफला फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि त्रिफला स्तन में दूध बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद इसका पांचवा फायदा है, जो कि जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव कैंसर थेरेपीज में भी छपा है, और यह अध्ययन हमें बताता है कि त्रिफला के सेवन करने वाले कोलन कैंसर के मरीजों में रेडिएशन थेरेपी के दौरान डायरिया और नौजिया की समस्या कम होती है। इसलिए अगर आप कैंसर के मरीज हैं तो आपको अपने चिकित्सक की सलाह से त्रिफला का सेवन शुरू करना चाहिए। और इसका छठवां फायदा है, जो कि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में भी प्रमाणित हो चुका है, कि त्रिफला के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में आपको बहुत लाभ मिलता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें त्रिफला का उपयोग सुबह और शाम जरूर करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि त्रिफला का उपयोग किसे नहीं करना चाहिए।
तो डायरिया डिसेंट्री वाले लोगों को त्रिफला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है और यह आपके स्टूल को और पतला बना देता है। इसके अलावा लो ब्लड शुगर वाले लोगों को भी त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिफला आपके खून में ब्लड शुगर के लेवल्स को प्राकृतिक रूप से कम कर देता है। गर्भावस्था के दौरान भी त्रिफला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह एनर्जी को डाउनवर्ड्स प्रवाहित करता है जो गर्भपात का कारक हो सकता है। इसके अलावा त्रिफला के सेवन को किडनी के मरीजों को भी नहीं करना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर लो है तो भी आपको त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि आपको कौन से त्रिफला ब्रांड्स खरीदने चाहिए। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए मैंने बाजार में उपलब्ध 8 अलग अलग ब्रांड्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि डाबर त्रिफला ब्रांड हम में से किसी को नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट में मिथाइल और प्रोपाइल पैराबिन लिखा मिल जाएगा। यह एक प्रिजर्वेटिव है जिसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो क्यों आप अपना पैसा देके डाबर का ये त्रिफला ब्रांड खरीदेंगे जिसके इस्तेमाल से आपको भविष्य में कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। अब आइए बात करते हैं 7 ऐसे ब्रांड्स के बारे में जिन्हें आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। तो नंबर 7 पर नाम आता है H&C हर्बल इंग्रेडिएंट एक्सपर्ट त्रिफला चूर्ण पाउडर। 96.48 रुपए में 100 ग्राम की मात्रा आपको मिल जाती है। नंबर 6 पर नाम आता है जीवा त्रिफला चूर्ण का। इसकी 100 ग्राम की मात्रा 55 रुपए में आपको मिलती है। बैद्यनाथ का त्रिफला चूर्ण 32 रुपए में 100 ग्राम आपको मिल जाएगा, और वहीं पतंजलि का त्रिफला चूर्ण 30 रुपए में 100 ग्राम की मात्रा आपको मिलती है। कम पैसे में मिलने के बावजूद भी मैं इन सभी ब्रांड्स को टॉप 3 में इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि इनको बनाने के लिए प्लास्टिक के डब्बे का उपयोग होता है, और यह बात सबको पता है कि प्लास्टिक से BPA रिलीज होता है। अब आइए जानते हैं सबसे सुरक्षित 3 त्रिफला ब्रांड्स कौन से हैं, और इन्हें खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है जस्ट जैविक ऑर्गेनिक त्रिफला चूर्ण पाउडर को। 92 रुपए से ज्यादा में 100 ग्राम की मात्रा आपको मिलती है। वहीं नंबर 2 पर है कार्मेल ऑर्गेनिक्स त्रिफला फ्रूट्स पाउडर। 77 रुपए में 100 ग्राम की मात्रा आपको मिलती है। ये दोनों प्रोडक्ट्स कागज के पैकेट में आते हैं और आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 ब्रांड के बारे में, जो है खांडिक ऑर्गेनिक त्रिफला पाउडर। 84 रुपीज में 100 ग्राम की मात्रा आपको यह ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर मिल जाएगा। मैंने इस ब्रांड को ग्लास पैकिंग की वजह से नंबर 1 पर रखा है। अन्य ब्रांड्स की तुलना में यह थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसमें न तो कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है और न प्लास्टिक के BPA की रिलीज होने की संभावना, क्योंकि यह ग्लास बॉटल में आता है। आप इस प्रोडक्ट को लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कागज के पैकिंग के साथ यह समस्या होती है कि उनमें बरसात के मौसम में नमी आ सकती है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा त्रिफला ब्रांड न सिर्फ खरीद पाएंगे बल्कि आप उसे आसानी से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।